रियलमी सी टू के लिए दोस्तों बेस्ट बजट परफेक्ट बैक कवर लेके मैं हाजिर हूँ यहाँ पर दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मेरे पास जो रियलमी सी टू है इसके लिए मैंने फ्लिपकार्ट से एक बेस्ट बजट परफेक्ट ऑलराउंडर बैक कवर को ऑर्डर किया है। यहाँ पर 150 रुपीज़ मुझे पड़ा है दोस्तों, एग्जैक्ट कहूँ तो 156 रुपीज़ मुझे पड़ा है दोस्तों। ये जो बैक कवर है दोस्तों फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाइक का बैक कवर है और परफेक्टली फिटिंग हुआ है, परफेक्टली ये बैक कवर दोस्तों सेट हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सभी डिवाइस के दोस्तों मैं फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाइक का ही बैक कवर को यूज़ करता हूँ। मेरे पास जो पोको F1 है, जो आईफोन है, उसके साथ साथ मेरा जो रेडमी नोट 7 प्रो, इवन रियलमी C2 के लिए मैं फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाइक बैक कवर ही ऑर्डर किया है। यहाँ पर दोस्तों स्मार्ट बाइक के बैक कवर का सबसे अच्छी बात है दोस्तों, आपको बजट रेंज के अंदर आपको प्राइस पड़ता है, उसके साथ साथ जो वॉल्यूम कीज हो जाए, उसके साथ जो कटिंग होता है वो परफेक्टली होता है। अगर आपके पास दोस्तों रियलमी C2 है तो अगर आप उसके लिए बैक कवर खरीदना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बेस्ट बाई लिंक है दोस्तों, आपको 150 रुपीज़ के आसपास फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाई परफेक्ट फिटिंग वाला बैक कवर मिल जाएगा रियलमी C2 के लिए। अगर आपके पास और कोई डिवाइस है दोस्तों आपको सिंपली फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च कर लेना होगा, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई, आपका फ़ोन का मॉडल नंबर दे दो, जैसे कि पोको F1 फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई बैक कवर फॉर पोको F1 करके सर्च कर लो फ्लिपकार्ट के ऊपर। उसके बाद आप आराम से आपके डिवाइस के लिए बैक कवर अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप खरीद लो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बैक कवर। सो हम यहाँ पर बैक कवर को चला दिया है दोस्तों रियलमी C2 के अंदर। चलाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैसे कि देख पा रहे हो परफेक्टली फिटिंग है, जो स्पीकर गिल हो जाए, जो चार्जिंग पोर्ट हो जाए, जो 3.5mm का जैक हो जाए दोस्तों, ऊपर नीचे डाइने बाय, जो प्लास्टिक काटी है काफ़ी अच्छा है, ब्लैक कवर का फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर रबर का मैटर फिनिश दिया हुआ है, प्लास्टिक का ही बना हुआ है पर रबर का फिनिश दिया हुआ है। जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को जरूर से।